श्री घनश्यामदास अरोड़ा जी हमारे अकाली दल से भी यहाँ हमारे प्रमुख नेता आए हैं, बीबी जागीर कौर जी, सरदार राजेंद्र पाल सिंह ढिल्लो, सरदार कमल जी राणा, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन श्री गुरुलाल सिंह जी सैनी, हमारे पुराने नेता श्री बलबीर सिंह सैनी जी, नगर पालिका लाडवा के हमारे चेयरपर्सन साक्षी राणा जी, श्री जगदीश राणा जी, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी जी, नाम बहुत लिखे हैं मेरे पास, मंच पर भी बहुत गौरव लोग विराजमान हैं, सामने भी जिनके नाम बोल रही है वो तो सब जी, जो नहीं बोल रहे हैं नाम वो सब जी, बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसे सबको विदित है लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में जनता के साथ साथ नेताओं के साथ साथ हमारे मित्र मीडिया के मित्र पत्रकार और छायाकार बंधु कलाकार बंधु ये भी सब हमारे साथ होते हैं, मैं इनका भी सबका अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, देश भर में ये चुनावी मंथन चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक 85 करोड़ लोग अपने इस लोकसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके अपनी मनचाही सरकार को चुनने वाले, बहुत बड़ा ये मंथन होता है और मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये मंथन है और मैं नतमस्तक हूँ उन संविधान निर्माताओं का जिन्होंने देश को व्यवस्था दी कि लोकतंत्र के माध्यम से हम 5 साल बाद चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला परिषद, कोई भी चुनाव हो, इन सब चुनाव में हम अपने शासनकर्ता को चुनते हैं। अब शासनकर्ता को चुनते समय आपके सामने सब पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, चाहे हमने सत्ता संभाल रखी है तब हम आएंगे, विपक्ष के लोग भी आएंगे, एक नहीं कई पार्टियों के लोग आएंगे, इन सब की बातें सुनना और सुनने के बाद ये अधिकार आपको है मित्रों कि आपने अपने अधिकार से जिसको ठीक समझना अच्छा समझना है उसी को चुन करके 5 साल की बागडोर देनी है। ये आपका है, मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ जो मेरे कान पर पड़ रही है। अभी आजकल सभी वोटर्स के पास सब जगह पर पार्टियां तो जा ही रही हैं, साथ में हमारे मीडिया के मित्र सर्वे एजेंसी के लोग बहुत लोग जा रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, कोई उनसे पुलवामा की बात करेगा, कोई एयर स्ट्राइक की बात करेगा, कोई महंगाई की बात करेगा, कोई प्रदेश सरकार की बात करेगा, कोई किसान की, मजदूर की, दुकानदार की, इंडस्ट्री की, रोजगार की, सब बातें करते हैं। सामने वाला 2-3 प्रश्न सुनने के बाद पूछता है कि मेरे से ये बातें क्यों पूछ रहे हो, तो प्रश्न पूछने वाला कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आप वोट किसको दोगे, कौन सी पार्टी को दोगे, कौन से कैंडिडेट को दोगे, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर में बताने वाला कहता है भाई ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, बनेगा तो ये लोगों ने मन में ठान लिया है, एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, क्योंकि लोग मुकाबले करते हैं, मुकाबले में सामने कोई खड़ा दिखता नहीं है, मुकाबले में नरेंद्र मोदी और मुकाबला किससे होगा, किससे वो कहते हैं पप्पू, राहुल गांधी मुकाबले में ही खड़ा है, कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जिस व्यक्ति के ऊपर देश के लोग विश्वास नहीं कर रहे, उनकी पार्टी के लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो जनता का क्या विश्वास करेगी, जनता नहीं करेगी। मैंने तो याद सुना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के नाम से वोट मांग लो, कैंडिडेट के नाम से वोट मांग लो,
लेकिन गलती से राहुल गांधी के नाम से वो मत मानना। जब उनकी पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं रहा अपने नेता पर, तो जनता का विश्वास क्यों करेगी? जनता का विश्वास नहीं कर रही। जनता का विश्वास पक्का मन एक वातावरण बन चुका है कि इस देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार अगली बार कौन कौन मोदी जी के नाम पर मोहर लगाने के लिए जनता आतुर है। अब जब मोदी जी के नाम पर जनता आतुर है तो हमको अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, साथ काम करने वाले लोगों को, जो लोगों से सबको बताना पड़ेगा कि आखिर मोदी क्यों मोदी, इसलिए कि मोदी ने इस देश की समस्याओं को समझा है, जाना है, रास्ते निकाले हैं, हल निकाले हैं, सहयोग किया है और आगे का एक बड़ा प्लान दिया है। एक बात, दूसरा इस देश के प्रति देखने का दृष्टिकोण, ये नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का क्या है, कांग्रेस का उनके सहयोगी दलों का क्या है, ये भी हमको उनको बताना पड़ेगा। कांग्रेस की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जब हम आएंगे देश द्रोहिता का कानून खत्म कर देंगे। अरे देश द्रोहिता का कानून यदि खत्म करोगे तो इस देश के टुकड़े करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो एक्टिव हो जाएंगे और इस देश के टुकड़े करने के लिए हमारी आजादी को खतरे में डालेंगे, हमारी आजादी को खतरे में डालें। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हम लोगों ने इस देश के प्रति अपने मन में जो विचार रखा हुआ है, कांग्रेस या उसकी बाकी पार्टियां उस सीमा पर पहुंच ही नहीं सकते। कांग्रेस के लोग इस देश को क्या मानते हैं? वो मानते हैं जमीन का टुकड़ा है, इतने किलोमीटर लंबा, इतने किलोमीटर चौड़ा, ये जमीन है, ये देश बन गया। देश ऐसा नहीं है। इस देश के साथ, इस भारतवर्ष के साथ हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमने इस देश को जमीन का टुकड़ा नहीं माना, हमने इसको अपनी मां माना है। ये देश हमारे लिए भारत माता है, तभी हम कहते हैं भारत माता की, इसलिए बोलते हैं। और अपनी मां की सुरक्षा जो नहीं कर सकता, जो भी देश का इंसान मां की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो सपूत नहीं, वो कपूत कहलाता है। ये कांग्रेस के कपूत है जिन्होंने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम सेना की ताकत को कम कर देंगे। अरे जिस सेना के सहारे इस देश की आजादी टिकी हुई है, वो 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पर पहाड़ों में सर्दों पर हमारी रक्षा करते हैं, आज उनकी ताकत को कम करेंगे? वो हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया? कोई भरोसा नहीं। किया भी है तो लोग आतंकवादी मरे कि नहीं मरे? अरे हमने फौज पर भरोसा किया है, हमारी फौज जो कहती है वो मानते हैं, हमें फौज पर संदेह नहीं करना चाहिए। और हरियाणा के लोग तो देशभक्ति के नाते से, यहाँ के हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति सेना में या तो रहा है या सेना में है। हजारों लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के नौजवान शहीद हो गए हैं, उस शहादत पर हमको नाज है। हम इस देश को सुरक्षित रखेंगे। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं। तो मित्रों, लोग पूछते हैं कि आप देश की बात ज्यादा करते हैं, आप लोगों की आम समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं। हमने कहा वो भी करते हैं, लेकिन पहले देश की बात इसलिए करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को छेड़ दिया है। इसलिए देशभक्ति के साथ साथ इस समाज के गरीब जनता के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जो हमने हमारे 4.5 साल के शासन काल में किया है, कांग्रेस तो उसके नजदीक कभी जा ही नहीं सकती है, कभी नहीं जा सकती है। हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना पर्ची खर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के अपने 60,000 नौजवानों को हरियाणा में नौकरी दी है। कोई पर्ची खर्ची पैसा लगा? नहीं लगा। ठीक है मित्रों, 5 अंक देने की बात मेरे पास पहले आई है। ये 5 अंक देने की बात, अरे सुन लो, अरे बैनर ले लो इनसे। ये 5 अंक की बात सुनोगे तो बताऊंगा, तो नहीं बैठ जाओ, बता रहा हूं। अरे जिंदाबाद, तो ठीक है, बैठ तो जाओ, आपकी बात ध्यान में आ गई, बैठ तो जाओ। ये जो मित्र है हमारे, 5 अंक की बात क्या उठा रहे हैं सुन लो।
बहुत मजा आ रहा है। हमने कभी विचार किया कि नौकरियों के अंदर जो मेरिट पर नौकरी है वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको विशेष दर्जे के कारण से, जिनकी अपनी कुछ तकलीफें ज्यादा है, जिनके साथ हमारी सहानुभूति हो सकती है, ऐसी भी दो तीन कैटेगरी हमने बनाई थी। एक कैटेगरी बनाई थी कि जिसमें जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी नहीं है उसको पांच अंक अलग अलग से मिलेंगे, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं पांच अंक अलग दे करके उनको मदद की। अच्छा क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया। दूसरे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, ऐसे परिवार से बच्चों को भी हमने कहा पांच अंक देने में बैठ जाओ। अरे बैठ तो जाओ ना, सुनो लो पूरी बात, अब आनी सुनो तो फिर आपको उठा के ले जाएगी पुलिस, पूरी बात सुन लो। इसका मतलब अगर बिना सुने कोई मन में और बात हार के आया हुआ हो तो फिर यहां बैठने की जरूरत नहीं, बात सुनो पूरी, माता रखो सुनने का। और सुनोगे नहीं, अगर कोई बदमाशी किसी विपक्षी आदमी ने आपके दिमाग में कुछ डाल रखा है तो विपक्ष वालों को सीधा करना हमको आता है। ये विपक्षी ये लोगों को उनके कान में फूंक मार मार करके 10-20 नौजवानों को आप पैसे बाहर करने के लिए तैयार कर देते हैं। ध्यान सुनो, माइंडेड सुन लो पहले, और सुनना नहीं है तो उठ के जा सकते हो। मैं बात बता रहा हूं, आपकी अधूरी बात उसको पूरा कर रहा हूं, सुनिए। मित्रों, हमने ये कहा कि जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया उनको पांच अंक मिलने चाहिए। बात दो उसमें विवाद खड़े हो गए। एक विवाद ये खड़ा हुआ कि जो बेटियां हैं वो नौकरी अगर घर में है, पहले वाली बात के घर में नौकरी है कि नहीं है, तो हमने कहा कि जिनके घर में बेटी है, बेटे को नौकरी नहीं है, लड़के को नौकरी नहीं है, तब भी पांच अंक उसको मिल जाएंगे, क्योंकि बेटी तो ब्याह शादी करके बाहर चली जाएगी। ये एक सुविधा दे दी, लागू हो गई। दूसरी बात, डिपार्टमेंट के लोगों ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हमारे डिपार्टमेंट के जिन्होंने लागू करना था, जहां हमने पिता जिनके नहीं है वो लिखा, उनको कहा ये लिखो, उन्होंने लिख दिया कि जो अनाथ है, जो ऑर्फन है, ऑर्फन अनाथ, ये लिख करके नोटिफिकेशन हो गया। और अनाथ ऑर्फन कौन होता है, जिसके पिता और माता दोनों नहीं है। अब चूंकि गलती से नोटिफिकेशन वो हो गया, सरकार में बात चलेगी वो जिसका नोटिफिकेशन हो जाता है। हमने वो बात कही, नोटिफिकेशन गलत हुआ, हमने डिपार्टमेंट को कहा कि इसको ठीक करो, लेकिन चूंकि जो नौकरियां हो चुकी हैं, लागू हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती है, चाहे वो ये अपने ग्रुप डी की भर्ती है, इसमें जो चीज हो चुकी है उसमें वो लागू ऑर्फन पर ही होगा, वो फादरलेस नहीं। लेकिन आज के बाद जितनी भी नौकरियां आगे निकलेंगी उसमें फादरलेस ही होगा, उसमें ऑर्फन नहीं होगा, ये मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। अब संतोष आपका हो है तो ठीक है, नहीं हुआ अलग से मेरे पास चंडीगढ़ आ जाना, उसके बाद बहस कोई करनी हो तो कर लेना, सभा में बहस करने का किसी को भी अनुमति नहीं है। मित्रों, बात को समझने के लिए मन खोल के आओगे, हर एक की समस्या का समाधान होगा। हरियाणा में एक एक समस्या को 20-20, 30-30 साल की समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए हमें कितने दिन, महीने, साल तक लगा दिए। हमने वो समय लगाया है क्योंकि हमारे मन में हर एक के प्रति पीड़ा है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ फेवर नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो फेवरेटिज्म, जस्टिस 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 फॉर ऑल। तो मित्रों, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, अरे आज तक कुछ नहीं मिल रहा था, नौकरियां मिलती थी। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और जनसभा को संबोधित करते हुए कुरुक्षेत्र में लाडवा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शामिल हुए, जनसभा को संबोधित किया और तमाम बातें कहते हुए नजर आए, विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए, अपने अधिकार से पसंदीदा उम्मीदवार चुने ये भी कहते हुए सीएम नजर आए हैं।
तो सीएम मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।